हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। हम डिस्क्रीट के 3 पार्ट हम कर चुके हैं सेम प्लेलिस्ट के, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। आज हम 4th पार्ट का स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एंड सॉरी अगर आपको बहुत मे बी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ ड्यू टू माई ओन इशूज़, तो मैं नहीं कर पाई उसके लिए, आई एम सो सॉरी। आज हम कम्प्लीट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, आज ही शुरू करेंगे और ये टॉपिक आज ही कंप्लीट कवर हो जाएगा कंडीशनल का। सो एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई नहीं कर पाई आप लोगों को, आप लोगों के मैसेजेस आए थे तो मैं नहीं कर पाई रिप्लाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई जिस टाइम आपको चाहिए थी, सो सॉरी। एंड लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल प्रपोजिशन, ट्रुथ टेबल से हमने लॉज जो हैं वो पढ़ लिए थे, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है या कंडीशनल प्रपोजिशन में क्या है? द प्रपोजिशन इफ़ पी देन क्यू, इसी चीज़ को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू कि अगर पी है तो क्यू भी हो, देन इट विल बी कंडीशनल। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर सफल हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो इफ़ वाली स्टेटमेंट में इफ़ पी देन क्यू, मतलब कंडीशनल प्रपोजिशन या कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में भी होता है ये, इफ़ पी देन क्यू। सिंबल क्या होता है? पी एरो क्यू। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ये कंक्लूजन होता है। हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू हो, देन इट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हाइपोथेसिस को एंटीसीडेंट भी कहा जाता है और कंक्लूजन को कॉन्सिक्वेंस भी कहा जाता है। हाइपोथेसिस कंक्लूजन या फिर एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आगे सिर्फ आपको टर्म्स में लिखा हुआ है, इफ पी देन क्यू इज डिनोटेड बाय एरो। इफ और देन की जो स्टेटमेंट है वो एरो से भी नोट की गई है। उसके बाद इट इज़ फॉल्स व्हेन पी इज, ये ट्रू कैसे होता है? देखो एक बात सोचो, अगर पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अगर पी ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, पी फॉल्स है क्यू फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। रीज़न, इसको ट्रू होने के लिए पी का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर P ही फॉल्स हो जाता है, अगर हमारे स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हाइपोथेसिस है वही फॉल्स हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता Q ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि इसको ट्रू होने के लिए इफ़ P, अगर P ही सही नहीं है तो Q सही हो गलत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन ट्रू ही रहेगा। ठीक है, इसमें फॉल्स ये याद रखो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये ट्रू हो ये फॉल्स है। ठीक है, कि हाइपोथेसिस ट्रू थी, क्वेश्चन सही था, आंसर गलत आया तो ही गलत होता है। इसको क्वेश्चन आंसर की तरह याद रख सकते हो तुम, एग्जाम में ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, क्वेश्चन सही है आंसर भी सही है तो नंबर सही होंगे। ठीक है, ये ट्रू तो रिजल्ट भी ट्रू। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत सही है और क्यू जो है वो गलत है, आंसर गलत है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब फॉल्स। लेकिन क्वेश्चन गलत है और तुमने आंसर सही दिया है तो ट्रू, क्योंकि मार्क्स तो मिलेंगे ही क्वेश्चन सही है तो, सॉरी क्वेश्चन गलत है, अगर एग्जामिनर ने तुम्हें क्वेश्चन ही गलत दे दिया तो तुम आंसर सही लिखो गलत लिखो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट को क्वेश्चन और आंसर के, मतलब ये एक मेथड है या ट्रिक कह लो, इस तरह से याद रख सकते हो। ओके, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर हम कहें कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, मतलब हाइपोथेसिस ही गलत है, फिर आपका कंक्लूजन ट्रू हो फॉल्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम ट्रू बोलेंगे और उस चीज़ को कहा जाता है ट्रू बाय डिफॉल्ट या फिर वैक्यूसली ट्रू। ठीक है, देखो इफ 3+3 इज इक्वल्स टू 7 देन आई एम बींग ऑफ जापान, कि अगर मैं, अगर 3+3 7 है तो आई एम बींग ऑफ जापान। तो हमें दिख रहा है कि ये पी है, इफ पी देन क्यू,
तो अगर पी स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, ये ही फॉल्स हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्टेटमेंट कि तुम जापान से हो या ना हो, आपको ट्रू ही माना जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी हाइपोथेसिस ही फॉल्स है. क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत है, तो देन के बाद की स्टेटमेंट सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा. इसी को कहेंगे ट्रू बाय डिफॉल्ट. गॉट इट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेशन है ये लेमा, इफ और देन का एक लेमा है कि पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू. ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि भाई पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो नॉट पी और क्यू के इक्वल होता है. आपको ये आता है बिल्कुल ट्रुथ टेबल से, आप कर सकते हो आराम से. मैं सिखा चुकी हूँ कि भाई वही दो वेरिएबल्स हैं तो चार रोज बनेंगी, चार रोज आपकी ये बनी हुई है. चार रोज में वही पी कैसे लिखते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्यू कैसे लिखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. देन निकालो पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू. जब तुम पी इम्प्लाइज क्यू निकालोगे तो वही है कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है देन एंड कंक्लूजन भी ट्रू है तो पी इम्प्लाइज क्यू भी ट्रू होगा. अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा. और मैंने कही थी अगर क्वेश्चन ही फॉल्स हो जाए, अभी बता रही थी क्वेश्चन पेपर से रिलेट करके पढ़ोगे ईजी हो जाए, तो आपने आंसर ट्रू लिखा हो फॉल्स लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रू ही कंसिडर होगा, मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. देन पी से नॉट पी निकालो, पी अगर ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा, पी अगर फॉल्स है तो नॉट पी ट्रू हो जाएगा. नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू का क्यू के बीच में डिसजंक्शन जो हम पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में आपको पता चल गया था कि इनका क्या रोल होता है और कैसे लगता है. तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहाँ से देखिए तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. तो आपको दोनों के यहाँ से पता चल रहा है ये बाय डिफॉल्ट को ट्रू कहते कि ये दोनों के दोनों क्या हैं इक्वल. ठीक है, री राइट द सेंटेंसेज इन इफ एंड देन फॉर्म. इसको इफ और देन फॉर्म में लिखना है. ईदर यू गेट टू वर्क ऑन टाइम और यू आर फायर्ड. इसका मतलब हमें पता है, इससे कंपेयर कर लीजिए आप इस चीज को. ठीक है, अगर आपको पी दे रखा है और क्यू आपको चेक करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें पी अगर इस कंपेयर करो, देखो पी की वैल्यू है ईदर यू गेट टू वर्क, तो इसका मतलब नॉट पी है ये, यू गेट टू वर्क और यू आर फायर्ड. तो क्यू की वैल्यू है यू आर फायर्ड. इस स्टेटमेंट को इससे कंपेयर करके निकल गई, नॉट पी की वैल्यू है यू गेट टू वर्क ऑन टाइम और मतलब ये डिसजंक्शन का साइन रहा, क्यू का मतलब यू आर फायर्ड. यहाँ से कंपेयर करके नॉट पी और क्यू की वैल्यू आ गई. हमें पता है नॉट पी और क्यू इक्वल होते हैं पी इम्प्लाइज क्यू के, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं पी का अगर नॉट पी है यू गेट टू वर्क तो पी क्या होगा, यू डू नॉट गेट टू वर्क. यस, इफ यू डू नॉट तो इफ और देन में लगा दो, If you do not get to work, then you are fired. ठीक है, तो conditional statement यहाँ तक समझ आया. अब है conditional statement का negative. देखो इस चीज़ का negation निकाल लेंगे. इस चीज़ का negation मतलब ये किसके के P implies Q किसके equal है, not P और Q. दोनों साइड हम negation निकालना चाहते हैं, दोनों साइड negation ले दो. Negative negative मतलब नॉट ऑफ, हमने पढ़ा था ना नॉट ऑपरेटर ऑफ नॉट ऑफ पी इज पी, और चेंज हो जाएगा जब भी साइन अंदर जाता है तो एंड में और नॉट क्यू. ठीक है, आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हो और निकाल के भी देख सकते हो. तो अगर हम देखें पी इम्प्लाइज क्यू क्या है, नॉट पी और क्यू, और इसका नेगेशन क्या होगा, पी एंड नॉट क्यू. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है राइट नेगेशन ऑफ इफ आई एम इल देन आई कैन नॉट गो टू कॉलेज. तो यहाँ से आप कर सकते हो इफ आई एम इल, ये है पी की वैल्यू, देन ये है क्यू की वैल्यू. हमें निकालना है पी इम्प्लाइज क्यू हमें गिवन है, इसका नेगेशन निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं
पी एंड नॉट क्यू, ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। नहीं, आंसर्स मैंने नहीं शो कर रखे, मे भी आप लोगों को ना, ये रहे हैं, सॉरी, ये रहे, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस की अगर आप ये देखें, कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ पी देन क्यू, अगर तुम्हें उसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन निकालना है तो कभी भी नेगेशन इफ़ से स्टार्ट नहीं होगा जब भी तुम आंसर निकालोगे। ठीक है, कन्वर्स, अब तुम्हें ये कन्फ्यूज होना शुरू होगे, तुम कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और इन्वर्स तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, देखो क्या क्या होते हैं। इफ पी देन क्यू का कन्वर्स क्या होगा, इफ पी देन क्यू का कन्वर्स होगा इफ क्यू देन पी, अगर पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स पूछे तो क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, अब आगे है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछे पी इम्प्लाइज क्यू का तो नॉट पी इम्प्लाइज, सॉरी नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या होगा क्यू इम्प्लाइज पी, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ठीक है, और अगर तुम्हें पूछे इनवर्स क्या होगा तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, आगे तुम्हें पता चल जाएगा, दिस इज कन्वर्स, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड दिस इज इनवर्स। ठीक है, तीनों समझ आए, यही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ। कंडीशनल स्टेट हमें ये दिखाना है कि एक स्टेटमेंट, अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी अपने ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव के। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला, ये कन्वर्स, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इनवर्स, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ट्रुथ टेबल आप लोगों को आती है, आप आराम से दिखा सकते हो, मैं इसको बिल्कुल नहीं कराऊंगी क्योंकि करा चुकी हूँ मैं ऐसे सारे, बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट पार्ट में। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, गिव कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है पी इम्प्लाइज क्यू का है, इफ इट इज रेनिंग देन इट विल देन आई विल यूज माई अम्ब्रेला, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि इफ आई यूज माई अम्ब्रेला देन इट इज रेनिंग, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा इफ आई डू नॉट यूज माई अम्ब्रेला देन इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट क्यू इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनवर्स में आपको नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स का होगा, इनवर्स में आपको बता चुकी हूँ पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। ठीक है, देखिए जस्ट वेट आपको, यस, तो इनवर्स होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। जैसे अगर क्वेश्चन है, अगर कोई इनवर्स ऑफ इफ टुडे इज ईस्टर देन टुमारो इज मंडे, अगर आज ईस्टर है तो कल मंडे है, तो इसका हमें निकालना इनवर्स, इनवर्स क्या होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, मतलब इफ टुडे इज नॉट ईस्टर देन टुमारो इज नॉट मंडे। ठीक है, इफ टुडे इज नॉट ईस्टर देन टुमारो विल बी नो मंडे, टुमारो विल नॉट बी मंडे, इज नॉट मंडे, जो भी स्टेटमेंट, मतलब इतना इंग्लिश ग्रामेटिकल नहीं करा रखा आपको एग्जाम्पल में, जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है इज लगा हुआ है टुमारो के बाद, तो आपको इज ही लगाना है, अपने अकॉर्डिंग विल भी मत चेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है रिमार्क कि अगर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ज़रूरी नहीं है उसका कन्वर्स और इनवर्स भी ट्रू हो, बिल्कुल नहीं, उसका कन्वर्स और इनवर्स ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो दोनों तो इक्वल ही होते हैं, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट अपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव के तो लॉजिकली इक्विवेलेंट होती ही है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गया, नेक्स्ट हम करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, थैंक यू गाइज़।